स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीएम मोदी द्वारा गुजरात के हिम्मतनगर में रैली को किया गया संबोधित। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में हटाने से खून खराबा होगा और देश टूट जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद वहां के हालात बदल गए। एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा ग्रेटर कैलाश में हुए हत्या मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा कि हत्या में शामिल होने के आरोप में गोला शाह और परशोत्तम सिंह समेत 7 लोग को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कहा कि इस मामले में इंचार्ज पुलिस पोस्ट पीएसआई पुनीत शर्मा को किया गया सस्पेंड। आपको बता दें, इस मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। दिल्ली एनसीआर में 130 से अधिक स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। वहां फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। बारामूला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 टेरर हैंडलर्स की प्रॉपर्टीज को किया अटैच। इस सिलसिले में तलाशी अभियान जारी है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ना तो आरक्षण को हटाएगी ना ही कांग्रेस को ऐसा करने देगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने राजौरी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पार्लियामेंट में जनता की उन्हें पेश आ रही परेशानी की आवाज उठाएगी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल है, लेकिन कई जगहों पर सड़क को ठीक करने का काम लगातार जारी है। लोगों से अपील है कि वो लेन डिसिप्लिन का पालन करें। रामबन में पेश आया एक बड़ा सड़क हादसा जिसमें एक की मौके पर ही मौत हुई और 11 लोग घायल है। स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।